ले सकते हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूं, और क्या क्या हम गन्ने में बुआई से कटाई तक सावधानी रखें ताकि हमारा उत्पादन अच्छे से अच्छा हो सके। लेकिन मैं इस गन्ने के साथ में अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले दो निवेदन करना चाहूंगा। एक तो पहला निवेदन तो ये है, जो भी आपका गन्ने संबंधित पर्सन हो, गन्ना उत्पादन से संबंधित जो भी आपका पर्सन हो, आप तुरंत बीच में ही हाथ खड़ा करें और प्रश्न पूछे। जो भी समस्या आपको गन्ने से संबंधित लग रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, बल्कि अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं जब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा आई है। और दूसरा, मैं गन्ना उत्पादन संबंधी जानकारी देता हूं। गन्ने के पेमेंट से, पर्ची से और बिजली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट नहीं आया, बिजली पर्ची नहीं आई, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो कृपया निवेदन ये है कि उससे संबंधित प्रश्न मेरे से ना पूछा जाए, क्योंकि मैं उससे टॉपिक से भटक जाएंगे और वो मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं उत्पादन बढ़ाने की बात करता हूँ कि कितना अधिकतम उत्पादन हम ले सकते हैं, अधिकतम कितना। बहुत गन्ने में बड़ा अंतर है, 30 क्विंटल बीघे का भी किसान है और 130 क्विंटल बीघे का भी किसान है। एक बीघे में 30 क्विंटल भी गन्ना होता है, एक ही बीघे में 130 क्विंटल भी गन्ना होता है। जमीन में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हमारी जो क्रियाकलाप हम उसमें करते हैं, उससे बड़ा भारी अंतर है कि हम 30 क्विंटल लेंगे या 130 क्विंटल बीघे का लेंगे। साधारण खेती करेंगे या हम ट्रेंच या अन्य कोई विधि अपनाएंगे जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। बुआई से और कटाई तक क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे हम चर्चा करें, जो हम कमी करते हैं जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। पहला मुख्य बिंदु है प्रजाति के बदलने का। अब तक हम प्रजाति बदलवा के पिछले 4-5 सालों से लगे हुए थे कि हम अन्य प्रजातियों को छोड़ के 0238 की तरफ आ जाए कि हमारा उत्पादन बढ़ जाए। लेकिन अब हम उससे भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। 0238 से भी हमें अब थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि ये वैरायटी बेहद अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन ऐसा ना हो कि 100% 0238 ही हो जाए। और यदि इसमें कोई भारी समस्या, कोई कीड़ा बीमारी आ गया, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास बीज ही ना बचे। इसलिए यदि आप 10 बीघे गन्ना करते हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि 10 में से 9 बीघे में आप 0238 करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम एक बीघा अन्य प्रजाति को भी लगाएं। अन्य प्रजातियों में एक और समस्या आती है, हमारे यहाँ पर ज्यादातर अर्ली की वैरायटियां हो गई है, 100% अर्ली। एक भी किसी भी किसान के पास सामान्य की प्रजाति नहीं है। कारण है मिल से सप्लाई टिकट का न मिलना, पर्ची का न मिलना, क्योंकि जब पूरा सीजन अर्ली ही अर्ली चलता रहता है तो सामान्य का विकल्प ही नहीं आता, सामान्य वाले को पर्ची का इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए सभी लोग 100% अर्ली पे आ गए। तो मैं अर्ली के ही विकल्प बताता हूं कि यदि हम अगेती प्रजाति लगाते हैं तो उसके क्या क्या विकल्प हमारे पास है। 0238 के साथ में आप दूसरी अन्य वैरायटी भी लगा सकते हैं, को 0118, को सा 82-72, को सा 13-235, को 15-023। ये ऐसा नाम है जो अभी पिछले 12-15 दिन पहले ही जिसका अनुमोदन हुआ है। गन्ने में किसान को वैरायटी का जो पता लगता है वो 5-6 साल 8 साल बाद पता लगता है, कोई नई वैरायटी आ गई है। 38 अब से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन किसानों के खेतों तक आते आते उसे पूरा क्षेत्र कवर करते करते 5-6 साल में किसान को पता लगना शुरू हुआ कि 0238 वैरायटी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो नई वैरायटी है 15023, अभी आपके को 15023 अभी 10 दिन पहले ही उसका अनुमोदन हुआ है, 10 दिन पहले ही वो प्रजाति बनी है, और इस प्रजाति का उत्पादन 0238 के बराबर है। लेकिन लाभ क्या है? पहला लाभ जो हमारे यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, अगोले का, 38 के मुकाबले अगोला ज्यादा है। दूसरा, 38 के मुकाबले कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बेहद कम है। तीसरा, इसमें जो कट टू क्रश है, गन्ना कटने के बाद जो 38 में
एक डेढ़ दो दिन तक तो कोई वजन में कमी नहीं आती, लेकिन दो दिन के बाद अचानक 38 में बेहद तेजी से वजन में गिरावट आती है, क्योंकि अंदर से उसका बीच में एक लाइन बन जाती है, खोखला होता चला जाता है, जिसको हम किताबी भाषा में पित्त बोलते हैं। इस वैरायटी में वो पित्त न होने के कारण ये बहुत जल्दी से नहीं सूखती है, बहुत लंबा समय लेगी वजन को गिराने के लिए, इसलिए ये वैरायटी उसकी तुलना में और अच्छा किसानों को लाभ देगी, अच्छा उत्पादन देगी। तो इसलिए प्रजाति का हम चुनाव अवश्य करें, प्रजाति अपने खेतों में जरूर बदलते रहें। अगला बिंदु है बीज उपचार का। सभी फसलों में बीज उपचार की रिकमेंडेशन है, बीज उपचार अवश्य किया जाए, लेकिन ऐसे कितने किसान हैं जो बीज उपचार करते हैं, वो हाथ उठाए जो बीज उपचार करते हैं, कोई नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है, कम से कम जो आप सारे जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं समझता हूँ आप सारे प्रगतिशील किसान हैं जो मेले को देखने के लिए आगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जिज्ञासा थी कि कोई नई चीज हमें वहां देखने को सीखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब आपने बीज उपचार कभी नहीं किया, तो आप चीजों को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अपना नहीं रहे। बीज उपचार बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे गन्ने में जितनी बीमारियां बढ़ रही है उसका मुख्य एक कारण यह भी है कि हम लोग गन्ने का बीज उपचार बिल्कुल नहीं करते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। गन्ने में बीज उपचार कार्बोनाइजिंग नाम की दवाई आती है, उसका इस्तेमाल करें। 100 लीटर पानी में 200 ग्राम दवाई का घोल बनाकर उसमें गन्ने के टुकड़े करके उसमें आधा घंटे के लिए डुबोएं और उसके बाद उसकी खेत में बुआई करें। उस बुआई करने से आपके खेत में कीड़े बीमारियां कम से कम आएगी। दूसरा, दूरी का परिवर्तन करें। कितनी दूरी पर हम एक कुंड से दूसरे कुंड के बीच की दूरी कितनी रखते हैं, एक कुंड से दूसरे कुंड के बीच की दूरी कितनी है, किसी को नहीं पता। 40 साल 50 साल जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा साल आपको खेती करते हुए हो गए हैं, आज तक दूरी नहीं नापी कितनी दूरी पे चल रहा है। मैं बताता हूं साधारण तौर पे कितनी दूरी पे गन्ना चल रहा है, इतनी दूरी पे चल रहा है कि हम ट्रैक्टर के पीछे तीन कुंड निकालते हैं, एक स्टार के पीछे, एक स्टार के पीछे और एक बीच में। 90% वही हम गन्ना बोते हैं, उसी रेजर से गन्ना बोते हैं। मेरी बात से सहमत है नहीं? किसी भी ट्रैक्टर की चौड़ाई 5-5.5 फीट से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर 35, 40 और 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है। 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जब होगा या उससे बड़ा होगा तब उसके बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो इसकी बीच की दूरी 5-5.5 फीट से ज्यादा नहीं होती। इस तार के पीछे भी बीच में कुंड चलता है, इस तार के पीछे भी बीच में कुंड चलता है, तो दोनों के हम यहां से पहला कुंड और दूसरा कुंड ऐसे नापेंगे तो 2-2.5 फीट से ज्यादा दूरी किसी भी कुंड की नहीं होती है। 2.5 फीट की कुंड की दूरी पर हम गन्ने की बुआई करते हैं और फिर उसमें सारे कार्य करते हैं। बुआई 2.5 फीट पर, मिट्टी चढ़ाना, पानी लगाना, पदाई करना, सारे कार्य उसके साथ में है। 2.5 फीट की दूरी पर हम जो बुआई करते हैं उसके बाद मिट्टी कितने लोग चढ़ाते हैं, वो हाथ उठाएं जो गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं, 2-3-5 है, हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, जो लोग गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, आधे आधे लोग मिट्टी चढ़ाते हैं, आधे से ज्यादा ही लोग चढ़ाते हैं। लेकिन यदि 2-2.5 फीट पर गन्ना बोकर आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो आप केवल अपने मन को संतुष्टि के लिए उसमें से बीच से हल निकाल रहे हैं, बाकी मिट्टी कहीं नहीं चढ़ रही। मिट्टी चढ़ाने का सिद्धांत मैं आगे अलग से बताऊंगा क्या है, दूरी क्या होनी चाहिए और क्या हम रखते हैं। जिस दिन रेजर एक बार खरीद के लेके आते हैं वही रेजर, चाहे जब तक वो खराब ना हो जाए तब तक वही रेजर उन्हीं बोल्ट पे उसी दूरी पे चलता है, चाहे गन्ने की बुआई सितंबर में करनी हो, शरदकालीन करनी हो, चाहे फरवरी मार्च में करनी हो, चाहे गेहूं काट के करनी हो। बल्कि एक इच्छा और रहती है, यदि जहां पर ये वहां से आया है एक बोल्ट और अंदर खिसक जाए, दो उंगल और अंदर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब पूरे खेत में 48 कुंड बनते हैं तो फिर 50 कुंड बन जाएंगे, दो लाइनें और ज्यादा हो जाएगी, बीज ज्यादा डलेगा तो उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन प्रजाति के साथ साथ दूरी परिवर्तन बेहद जरूरी है। 767 वैरायटी की नेचर अलग थी, अब 0238 वैरायटी है, उसकी नेचर अलग है। उसके लिए 3 फीट से कम
ढाई फीट सवा दो फीट पर जो हम गन्ना बोते हैं तो किसी भी गन्ने का वजन पर्याप्त वजन नहीं मिल पाएगा। पर्याप्त वजन का औचित्य मेरा ये है कि एक औसत गन्ने का वजन कितना होना चाहिए, औसत एक औसत गन्ने का वजन कितना होता है, गन्ने का एक गन्ने का वजन कितना होता है जी? कोई किसान भाई बताएगा कितना वजन होता है औसत एक गन्ने का? 5 किलो। और कोई उंगलियों से ही बता दे 2 किलो। और किसी को तजुर्बा, ज्यादा अंतर आ गया 5 किलो और 2 किलो में? 1 किलो का भी होता है, 1.5 का भी होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वास्तविकता बताता हूं कितने किलो का होता है गन्ना। हमारे यहां औसत गन्ना 767 वैरायटी तक 1 किलो से भी कम का होता था, क्योंकि 55-60 गन्ने टिकने के बाद एक पुली बनती थी नीचे जड़ की तरफ से, अगोले तक जाते जाते वो जब नीचे से बंडल बनाते थे ऊपर की तरफ जब बांधते थे तो नीचे 60 गन्ने ऊपर 30-35-40 गन्ने ही बनते थे, क्योंकि ज्यादातर गन्ने आधे बीच में छोटे ही रह जाते थे, ऊपर तक बराबर गन्ने बनते ही नहीं थे। इस 38 वैरायटी में कुछ परिवर्तन आया, इसमें यह परिवर्तन आया कि वे ही 40-45 गन्ने नीचे बनते हैं, वे 40-45 गन्ने ऊपर बनते हैं, बराबर गन्ना होता है ज्यादातर। लेकिन तब भी किसी भी एक पुली में आधा क्विंटल वजन नहीं होता है, हमेशा 2-2.5 पुली में जाके 1 क्विंटल वजन होता है। इसका मतलब एक पुली के हिस्से में 40 किलो वजन आता है, और यदि 40 किलो वजन 40 गन्नों में हो रहा है या 35 गन्नों में हो रहा है तो औसतन एक गन्ने का वजन 1.25 किलो बैठता है। और वास्तव में 0238 वैरायटी के एक स्वस्थ गन्ने का वजन 3 से 3.5 किलो होता है। तो हम कितना स्वस्थ गन्ना ले रहे हैं ये आप सोच सकते हैं, जिसका वजन 3-3.5 किलो होता है और उसे हमने 1.25 किलो पे लाके रोक दिया है, इतना स्वस्थ गन्ना है। क्या परिवर्तन है, क्यों इतना अंतर आया? वास्तव में जो हमारी ये दूरी है ये महत्वपूर्ण है, इस दूरी के कारण गन्ने के वजन में अंतर आ रहा है। यदि इस दूरी को हम बढ़ा दें, आप एक कुंड से दूसरे कुंड के बीच की दूरी समय अनुसार परिवर्तन करें, बहुत महत्वपूर्ण है समय अनुसार दूरी परिवर्तन करें। यदि हम सितंबर में गन्ना बोते हैं तो एक कुंड के मध्य से दूसरे कुंड के मध्य कम से कम 5 फीट दूरी होनी चाहिए, तभी उसमें अच्छा फुटाव होगा, मोटे गन्ने बनेंगे, वजन ज्यादा देंगे। यदि आप फरवरी मार्च में गन्ना बोते हैं तो इसी 2 कुंड के बीच की दूरी आपको थोड़ी सी कम करनी है, 4 फीट एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि वही वैरायटी है, वही बीज है, जब सितंबर में बोएंगे तो एक जगह पर 8 से 10 गन्ने बनेंगे बहुत अच्छे बहुत मजबूत। उसी वैरायटी का जब फरवरी और मार्च में बोएंगे तो वहां पर गन्ने बनेंगे 6-7 गन्ने बहुत अच्छे, और जब उसी वैरायटी को आप गेहूं काटने के बाद बोएंगे तो उसमें गन्ने बनेंगे 2-3-4 मुश्किल से। अन्यथा यदि गेहूं काटने के बाद की स्थिति यह भी है कि एक एक तल्ला जो जम गया था वही खड़ा रह सकता है, बाद में फुटा भी उसमें मुश्किल से नाम मात्र के लिए, इसलिए हम उसमें दूरी परिवर्तन की बात करते हैं। वैज्ञानिक स्तर पर गेहूं काटने के बाद रिकमेंडेशन ही नहीं है गन्ना बुआई की, लेकिन हमारे यहाँ 70% गन्ना गेहूं काटने के बाद ही बोया जाता है। उसमें क्या परिवर्तन करें, उसमें हम ट्रेंच विधि जो हम बात करते हैं उसके अंदर जो 4 फीट पर मैंने कुंड बताया है, एक कुंड यहां बनेगा एक कुंड यहां, उस एक ही नाली के अंदर 2 लाइनों की बुआई करने, वे 2 लाइनों की बुआई करने से उसमें जो हमारे पर्याप्त कल्ले हैं वो हमें मिल जाएंगे, जितने हमें गन्ने चाहिए उतने गन्ने उसमें से बढ़ जाएंगे। इसलिए 4 फीट की दूरी रहेगी दोनों कुंड के बीच की दूरी, लेकिन एक कुंड के अंदर 2-2 लाइनें हम लगा देंगे, 2 लाइन इस कुंड के अंदर, 2 इसके अंदर, 2 आगे वाले के अंदर, जिससे पर्याप्त संख्या में हमें कल्ले मिल जाएंगे।